गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह के बजे 5:30 और मैं हो गई हूँ रेडी और जाने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए और रनिंग करने के लिए। और मैंने सोचा कितने दिन से मैं गई नहीं, तो अब स्टार्ट करूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गया और उठने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा था आज मेरा। फिर भी मैं उठी। ये देखिए, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए। तो फटाफट चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नीचे जाके। और उठने का यार बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि इतने दिन से मैं गई नहीं ना उस करके। तो फिर भी मैंने अपने मन को बोला उठ उठ, फिर मैं फटाफट उठी हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं यार। जैसे कि गाइस, मैं इतना अच्छा हवा चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा, और मेरा नींद आ रही थी, वो मेरा नींद नूंद उड़ गई और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी मेरे फ्रेंड होने नहीं आए हुए हैं, अभी लगता है अभी लेट हो रहे हैं, तो अभी आएंगे। मैं आज जल्दी आ गई क्योंकि 5:30 आने से गाइस, और मौसम का चेंज हो गया ना, टाइम का चेंज हो गया कि दिन बहुत जल्दी होने लग पड़े, बहुत ही जल्दी। तो चलिए अब मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर और फिर मैं आपसे मिलूंगी। और मेरा तो ना आने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी अब मेरा अच्छा लग रहा है। मतलब हवा इतना अच्छा चल रहा है ना, बहुत ही प्यारा, जिसको कहते ठंडी ठंडी हवा। तो चलिए चलते। जैसे कि गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर लिया था मॉर्निंग, और अब बजे यार 2 दोपहर को और मुझे सुबह टाइम नहीं लगा, घर का काम करने लगी। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं करने जा रही हूँ अपने बाल का है अच्छा सा लुक चेंज करने जा रही हूँ। काफी दिनों से मैंने अपना लुक चेंज नहीं किया, मैं वही हेयर कट करती हूँ, मुझे पसंद तो बहुत ज्यादा है। आज मैं डिफरेंट करने जा रही हूँ और मजा आएगा आपको भी, और आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपना बालों का लुक कैसे चेंज करने लगी हूँ। और बस बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। जैसे कि गाइस, मैं अपना हेयर स्टाइल चेंज करने जा रही हूँ बालों का। मैं करने जा रही हूँ बैंग हेयर स्टाइल, और बहुत ही अच्छा है, और इसको बेबी हेयर कट भी कहते हैं कोई। तो चलिए, इंतजार करना मत, फटाफट वीडियो को क्लिक करना, फटाफट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हेयर का स्टाइल चेंज लुक करने के लिए, मजा आ जाएगा आज तो, बहुत ही मजा। तो चलते हैं। जैसे कि गाइस, मैं रेडी हो गई अपना हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए बालों का, और मैं कैसे चेंज कर रही हूँ आप देखना। तो चलिए अब करते हैं हम चेंज अपना, ठीक है। तो पहले हमने बीच से निकालना है ये सेक्शन, ठीक है, इक्वली हो गया ना हमारा बीच से ये। फिर हमने इसको, ये जो हमारा थ्रेडिंग है, इसकी बराबर हमने सेक्शन निकालना है, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया है, ये देखो निकालती हूँ, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड, टाइम लग जाता है यार। ये देखिए अभी बराबर नहीं हुआ, मैं बराबर करती हूँ क्योंकि बाल आपकी है, खेती बाल की आपकी, आप जैसे मर्जी कटिंग करो यार, ये दोबारा आ जाएगी। ये पीछे का बाल आप क्लचर कर देते हैं, ठीक है, कि आपको तंग ना करे, बार बार आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अभी अभी सही से मैंने निकाला नहीं है, निकालने लगी हूँ सेक्शन, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैंने अपना सेक्शन निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया क्योंकि ये मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर है तो ये निकल रहे है, तो इधर से सही है और इधर से ये, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही निकाल लेना यार, ये अपना बाल है, अपनी खेती है, ये अपने आप ही हो जाएंगे, सही आ जाएंगे। तो नया नया स्टाइल करने के लिए, लुक चेंज करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। ये देखिए गाइस, और मैंने कोम ले लिया है, जस्ट आपने गिल्ला नहीं करना, जस्ट आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद बाल आपके सूख जाएंगे, फिर आपने हेयर कट करना है, ठीक है। पहले आपने लिप्स के बीचों बीच, जो है लिप्स के बीचों बीच, क्योंकि आपको, ठीक है, जस्ट ऐसे करना, लिप्स को बीचों बीच आपने हेयर कट काटना है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए, मैंने काट दिया, ये देखिए मैंने रख दिया। फिर हम चेक करेंगे एक बारी, ठीक है, कि हमारा सही कट हुआ कि नहीं हुआ, कट हो गया, ये देखिए, ये देखिए। फिर आपने थोड़ी ऐसे ऐसे कर लेना है, जस्ट इसके, ये देखो,
ये हमारा लुक सही हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया, ठीक है गाइस? तो ये देखिए, ये हो गया, ये हुआ नहीं है, जस्ट अभी फेस के बाद हमने थोड़ी छोड़ देना है, ये ऐसे छोड़ देना है, ठीक है? और ये सेक्शन वाइज इतना छोड़ देना है आपने, ठीक है? इक्वली हो दोनों साइड, ये देखिए अब ये हो गया, ठीक है? फिर अब हम करेंगे गाइस, जैसे इसको पकड़ के फिर हम हेयर कट, अब हम करेंगे हम अपने लिप्स के, जो नोज है, नोज के यहां तक, ठीक है? नोज के यहां तक अब यहां तक हेयर कट काटेंगे अपना। ये देखिए जस्ट ऐसे पकड़ लेना आपने, ये देखिए काट लिया। फिर उसके बाद जो मैंने पहले किया था, थोड़ी थोड़ी अपने कर लेना है, ठीक है? फिर ऐसे थोड़ी सी ऐसे पकड़ लियो, ये आपका, ये देखिए हो गया। अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी और मैंने शॉर्ट करना है, ठीक है? फिर इसको बीचों बीच हमने, फिर ये भी हमने छोड़ दिया, ठीक है? फिर इसके साथ हमने ये भी हमने छोड़ दिया, ये देखिए अब एक, ये देखिए फिर हमने ये देखिए पकड़ लिया। अब हम नोज के नीचे थे, अब नोज के बीचों बीच, ठीक है, हमने काटना ऐसे करके, ये देखिए हो गया ना, ये देखिए नोज के बीचों बीच, फिर हमने ऐसे करके काट लेना यहां तक नोज के, ठीक है? हिल गया मेरा हाथ, हिल जाता है यार कभी कभी। आप अपने हेयर स्टाइल, अपना लुक ऐसे चेंज कर सकते हो, ये देखिए हो गया, अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ। फिर हमने क्या करना, थोड़ी सी हमने ले लेना, ये देखो ये हमने छोड़ देना, इधर से भी हमने, इधर से भी छोड़ देना, सेंटर से हमने बीच से ले लेना, ठीक है? ये एक सेकेंड, सेक्शन सीधा ले लेते हैं हम, ठीक है? ये ऐसे ले लिया, सीधा सीधा है अभी, ठीक है? ये देखिए, तो ऐसे करके आपने बीचों बीच ऐसे करके ना, इसको ऐसे करके जो हमारे जो बाल आ रहे हैं इसको हम क्लचर कर देते हैं, ठीक है? फिर पिन लगा देते कि हमें तंग ना करे। ये मेरा लग गया, इधर से भी लगा देते, ठीक है? तो ये भी मेरा लग गया, ये अब हमारे बच गए, ये देखिए बच गए ना। तो जस्ट फिर अब इसको कितना आपने रखना है, आइस तक, थ्रेडिंग तक, ये आपकी मर्जी है ना। तो मैं रखूंगी जस्ट आइस तक, ठीक है? तो इसको मैं हेयर कट कर देती हूँ, ये देखिए अब मैं आइस तक रखूंगी, फिर मैं देखती हूँ एक बार इतना काट के, फिर ज्यादा काटूंगी तो फिर और सा ना लग जाए। फिर आपने जस्ट फिर ऐसे ऐसे करने से आपका सेब बालों का बहुत अच्छा लगता है यार, अच्छा आता है। ये देखिए, ये देखिए अभी भी मेरे आइस में लग रहे हैं, ठीक है? तो इससे छोटा करना चाहती हूँ तो मैं छोटा भी अभी कर सकती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी मैं और काट देती हूँ अपने बीचों बीच, ये बिंदी है वहां तक, इससे थोड़ी छोटा ही काट, लंबा ही रहने देती हूँ। ये देखिए हो गया, फिर इसको फिर जैसे पहले हमने किया था जस्ट ऐसे करेंगे गाइस, ये देखिए, ठीक है ना? ये हमारा हो गया। आप जैसे कि अभी भी मेरा मेरे आइस में लग रहा है ना, तो आपको चाहती हूँ कि इससे भी और छोटा करना है, मैं भी कर ही लेती हूँ इससे भी छोटा, चलो इससे भी छोटा हम कर लेते हैं। ये देखिए और थोड़ी सी और छोटा काट दिया जी, चलो घर की खेती है, ये अपने आप ही आ जाएंगे ऐसे करके। फिर यही करना गाइस, ये देखिए अब ठीक है, अब लुक मेरा चेंज हुआ, ठीक है? अब जो मैंने क्लचर किया था उसको भी छोड़ देते, ठीक है?
क्योंकि मेरे बेबी हेयर से छोटे छोटे बाल बहुत ज्यादा है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा है यार, ये देखिए ना, ये देखिए ये हो गए मेरे, क्योंकि मैंने जैसे ऐसे भी मैं रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ। जस्ट अब मैं इसको पकड़ के गई, अब जो मेरे बीच से निकाल के मैंने बीच से निकाल लिए, सेंटर कर लेती हूँ, ठीक है, पार्टीशन कर लेती हूँ बालों की। ये देखो कर लिया, फिर मैं इसको ऐसे पकड़ के शेप में अपना, ये देखिए जस्ट आपने गुलाई से, ये देखिए ऐसे, फिर इधर से भी आपने जस्ट ऐसे ही करना है, ठीक है, कि आपका इक्वली हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और कैसा लग रहा है मेरा न्यू लुक। अब इसको हम थोड़ी सी प्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है, मैं प्रेसिंग लेके आती हूँ, फिर इसको हम प्रेसिंग कर लेते हैं। आपका ये आपको कैसा अच्छा लगा तो प्रेसिंग करके फिर अपना लुक पूरा दिखाती हूँ, अभी साथ साथ प्रेसिंग करती हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए कैसे भी आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, एंजॉय एंड यो न्यू हेयर स्टाइल मेरा, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए, तो गाइस जैसे कि मैंने प्रेसिंग लेके आ गई, ये देखिए अब हमने प्रेसिंग जब करना है ना, हमने स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ी सी ऐसे नीचे कर लेना है, ठीक है, कि हमारा अच्छा हो। ये देखिए ऐसे करके कि हमारे जो बाल है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके मैं कर लेती हूँ, देखिए गाइस, और मैंने सेट कर लिया हुआ, और मैं प्रिंसेस लग रही हूँ, डॉली होता है वैसे लग रही हूँ। और कितना आप यार, जैसे कि खुले भी छोड़ सकते हो, क्लचर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने जस्ट कुछ नहीं किया। फ्रंट जो मेरे बाल है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए, तो सॉरी बैक बाल, आप जस्ट रेस्ट ऐसे करके, और कहीं आपने फंक्शन वगैरह में जाना है, खुद हेयर कट कीजिए जैसे मैंने किया, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए ऐसे कीजिए, जस्ट बॉन्स निकाल लीजिए, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा लुक चेंज होता जाए, न्यू अच्छा अच्छा सा लुक हो। ये देखिए गाइस, थोड़ी ये थोड़ी सी हुआ नहीं, अभी हो जाएगा, ये देखिए। और मैं जस्ट आपको ऐसे करके अभी दिखा रही हूँ कि आप भी ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने अपना लुक चेंज किया है। तो कैसा लगा मेरा हेयर कट, और मैं कैसी लग रही हूँ, प्रीटी लग रही हूँ, डॉल जैसी लग रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है मेरा हेयर कट, मेरा लुक चेंज हो गया। जैसे गाइस ये देखिए मेरा ऐसा, आप इधर भी इसको कर सकते हो, जैसे आपके आईज में ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ी सी इसको ऐसे कर लीजिए, बैंड इधर साइड कर लीजिए, तो ये देखिए अच्छी लग रही हूँ ना। तो ये यार आसान है, क्योंकि जो आप फ्लिप्स तो निकालते ही हो, शॉर्ट ज्यादा नहीं निकालते हो, मैंने आज ज्यादा शॉर्ट किया, और ये यार आपकी खेती है, आपके बाल है, कुदरती हो अपने आप। मेरे पीछे के बाल इतने लेंथ बढ़ते नहीं है, आगे का आप देखना, झटपट मेरा लेंथ बढ़ेंगे, और बहुत ही इंजॉय, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गाइस मैंने बैंग हेयर स्टाइल कर लिया, और बहुत अच्छा है, और मैंने पीछे कुछ नहीं किया है। देखिए आप कर्ल वगैरह भी कर सकते हो, ये गाइस कहते हैं बेबी हेयर कट भी कहते हैं, जो बच्चों के आकारते हो और बेबी ऐसे लगते हो, और मैं भी आज क्यूट सी जो डॉल होती है वैसे लग रही हूँ, और प्रीटी सी लग रही हूँ, यू नो, और अच्छा अपना, और इतना डिफिकल्ट हेयर कट नहीं है यार, आराम से कट हो जाता है, ये देखिए। और इतना घर में इतने फ्री में, पैसा कुछ नहीं लगा, सैलून में जाओगे काफी पैसे ले लेंगे, और मेरा लुक चेंज हो गया, और कैसा मस्त, ये देखिए वाव, अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, यू नो कि मैंने इतना ही रखा, मैंने ज्यादा शॉर्ट नहीं किया, और मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ। आई होप कि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा यार, एक बटन है क्लिक कर दीजिए, और मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगी। और बस आप इंस्टा में भी फॉलो नहीं करते हो यार, प्लीज इंस्टा में फॉलो कीजिए मुझे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं समाप्त खत्म करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, और मेरा ये जो लुक है वाह ऑसम लग रही हूँ।
तो चलिए गाइस बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बाय।